बंद करो। सो ये हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, वील टेस्ट एंड लेट यू गाइस नो कि ये कैसी बनी है। बंद करो। सो वी आर मेकिंग गोश्त डिलिशियस हांडी बिरयानी। गोश्त इज रेडी। दिस इज अनियंस, ये टमाटर है, ये पत्ते हैं, दिस इज लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और ये छोटी इलायची और इसमें बड़ी इलायची है, ज़ीरा, लाल मिर्च एंड ये बिरयानी मसाला, दिस इज लाल मिर्च एंड दिस इज दही। सो ऑल द मसालाज आर रेडी, नाउ वी आर गुड टू गो। वो पतीली रखी हुई है, बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ दिखाते हैं। क्लियर, वील स्टार्ट विद द गोश्त। ये हमने गोश्त काट लिया था अलग अलग से, इसको धो लिया था, तो हम पहले इसमें गोश्त डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जितने मसाले जो है ना साथ साथ डालने थे वो डाल देंगे। ये हमने प्याज काटा था और इसको प्याज को साथ डाल देंगे। उसके बाद जो है दिस इज लाइक सौंफ एंड ये लाल मिर्च थी, ये डालनी है इसके अंदर। ये बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची डालना है। ये हमने अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, और इसमें साबुत काली मिर्च भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो होता है उसके साथ हमने हरी मिर्ची का पेस्ट एक साथ बना लिया था, और हम इसको एक साथ डाल रहे हैं, ठीक है। यू गाइज कैन मेक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बड्स। हमने अपने हिसाब से इसको थोड़ा स्पाइसी रखने के लिए ये सारी चीज़ें डाली हैं। इसके अलावा जो है साथ में ये छोटी इलायची है, ठीक है, हरी वाली छोटी इलायची है, और ये दालचीनी डाल रहे हैं हम इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा दिस इज दही, 1 कप दही, दही डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा सबसे बेस्ट जो होता है बॉम्बे बिरयानी मसाला, ये कोई मज़ेदार मसाला है जो हम डालेंगे, जिससे एग्जैक्टली बहुत यमी टेस्ट आ जाएगा। और सबके मुँह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, और ये हमने टमाटर काटे हुए थे अलग से, और अब हम इसको डाल देंगे टमाटर, ठीक है। ये एग्जैक्टली हमारे सारे मसाले पूरे हो गए। नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू पुट वाटर, 1.5 लीटर वाटर हम डालेंगे इसको, और इस गोश्त को हम लोग ऑलमोस्ट पकने देंगे 30 से 40 मिनट, जब तक ये मुकम्मल तौर पे टेंडर और सॉफ्ट ना हो जाए। पूरा पानी इसमें हम लोग अच्छे से डाल देंगे, राइट। वील मिक्स इट, इसको हम मिक्स करेंगे और इसके साथ हम इसको ढक देंगे। वेट करें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छे से सब मसालों को हमने गोश्त को मिक्स कर दिया है। अब हमने इसको रखना है 30 से 40 मिनट अंटिल इट्स बॉयल, जब तक इसका बॉयल ना छोड़े, और उसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाएंगे। अभी हम लोग इसको कवर कर देंगे, जो है वो इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। वील कवर इट कर दिया, अब इसको बॉयल करने के लिए 1 कप ऑफ योगर्ट, इसके अंदर 1 चम्मच हम लोग पूरा जर्दे का डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, और बाद में लेटर ऑन ये डालेंगे कलर्स के अंदर। नाउ वील मिक्स इट एंड देन आई विल शो यू गाइस। ये साथ के साथ अनियंस ब्राउन हो रहे हैं, और इसमें जो है सारा बिरयानी का मसाला बन रहा है। इट्स बीन 10 मिनट्स, वील लेट इट बॉयल, जब तक ये पूरा बहुत थोड़ा सा ना बच जाए। और इसमें जो है चावल हमने राइस रखे हैं इसके अंदर बॉयल। सो द बिरयानी इज ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस, होती है, बन जाती है। सो आई एम गोना शो यू गाइस के बन के कैसी लगती है। ये हम लोग लेटर ऑन यूज़ करेंगे। टमाटर गोल शेप में काट लिए थे, ये दही और ज़्यादा मिक्स कर दिया था। ज़्यादा अनियन भी ऑलमोस्ट हो गए ब्राउन करना है इनको, और तो साइड पे रखना है। प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया, मिक्स कर सकते हैं। सेपरेटली हमने ये वाटर बॉयल कर लिया था पतीली में, इसमें लीव्स डाल दिए थे, बेसिल लीव्स। अब इसमें, क्योंकि आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर काली मिर्च के जो साबुत होती है वो भी डाल सकते हैं, बट हमने यही डाला है क्योंकि हमने काली मिर्च इसमें डाल दी थी। अब चावल डाल लें और इसको बॉयल होने देंगे साथ साथ। अब हम इसको छोड़ देंगे बॉयल होने के लिए। यहाँ हमारी चिकन का जो बिरयानी का गोश्त मसाला है वो रेडी हो रहा है। जब तक गोश्त कर रहा है, ऑन द साइड प्याज थोड़े से मैंने उसमें डाल दिया था, मेरी मिस्टेक थी, मुझे इसमें अलग से ब्राउन कर लेनी चाहिए थी। तो आप ज़्यादा प्याज ब्राउन कर दें, फ्राई कर दें। दिस इज़ योगर्ट एंड कलर, ज़्यादा कलर, एंड दिस इज़ टमाटर
ये आलू बुखारा, ये हरी मिर्ची और ये बिरयानी मसाला। ऑलमोस्ट आर राइस आर डन, राइस हो जाएंगे तो गोश्त के साथ साथ ये गल रहा है, उसके बाद हम लोग अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। गोश्त चेक करें, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो है वो गोश्त हो चुका है। जब ऑलमोस्ट वन का पानी भरेगा बच जाएगा तब समझे कि पूरा गल चुका है, पक गया है। उसके बाद इस पर हम लोग चीज़ें डाल के फिर राइस डालेंगे एंड विल सी कि गोश्त गला या नहीं गला। तो चेक दैट गोश्त जो है वो टेंडर हो गया है या नहीं, हम लोग रिमूविंग करके चेक करेंगे बाद किस हद तक जो है वो अभी सख्त है। सुबीर डायरेक्ट हम लोग निकालो एक दो टिक कोई सी भी। तो ये हम चेक कर रहे हैं कि गोश्त टेंडर हो गया है। तो यस ऑलमोस्ट जो है ये टेंडर हो चुका है। अभी जो बाकी चीज़ें रह गई थी वो डलनी है, ठीक है। तो वो भी सारे मसाले डालेंगे एंड विल लेट यू गाइस नो। और वो जब वन एंड हाफ कप का पानी इसके अंदर रुक जाएगा तो ये जो दही और हल्दी हमने बिरयानी का जर्दा रंग हमने किया था, अब हम इसमें ये मिक्स करेंगे, ठीक है। बिकॉज इसको मली राइस डाल के जो है पकाना है। नाउ आफ्टर दिस आलू बुखारे हमने अलग से जो है वो निकाल लिए थे, ये डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा साथ साथ जो है वो हरी मिर्चियाँ ये हम लोग डाल देंगे। ओप्स ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और टमाटर डालेंगे थोड़ी से और, बिकॉज हम लोगों ने इसमें डालना था लेमन भी डालना था और हरा धनिया भी डालना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर पे वो अवेलेबल नहीं था। वैसे ये बहुत क्विकेस्ट जो है रेसिपी है, सारी चीज़ें काट के मसाले अलग करके एक साथ आप बना दें, बट गोश्त गलने में बहुत देर हो गई इस तरह से। एंड में थोड़ा सा और बिरयानी मसाला, दिस इज़ वॉट माई ब्रदर गॉट, दिस इज़ सम बिरयानी मसाला। एंड नाउ हम लोग सबसे आखिर में ही हमारे पास फ्राइड अनियन ज़्यादा डालने थे उसमें, पीछे सालन में कम डालने थे लेकिन उसमें ज़्यादा डाल दिए, तो घर पे अभी यही फ्राइड अनियंस बचे थे तो हम ये डाल देंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा एंड में सबसे आ जाएगा राइस। ऑलमोस्ट ऑल सारे मसाले डाल दिए थे। तो आई टेलिंग यू गाइस दिस इज द मोस्ट क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू मेक गोश्त की बिरयानी। सारे मसाले आप लोगों ने काट के एक साथ डाल दिए, बट गोश्त गलने में ऑफकोर्स टाइम लग गया हमें, ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स हो चुके हैं। बट देन अभी सारा जो है गोश्त ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका था तो हमने बाकी के सारे मसाले डाल दिए। लेमन इज़ मिसिंग, आप लोग हरा धनिया डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं जो अभी इसमें हमारे मिसिंग है बिकॉज अब घर पे अवेलेबल नहीं था। अब लास्ट इसमें हम डाल देंगे जो हमने राइस बनाया था सारे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी इसको हम राइस की लेयर से कवर कर देंगे। ठीक है, ये राइस की लेयर डाल दी थी। अब इस पे एक कप हम लोग फैला के जो है ऑयल डाल देंगे, एक कप ऑयल हमने डालना है, पूरा गोल घुमा के फैला के हर जगह डाल दो, इसको डाल दो, बीच में भी डाल दें। ये पूरा ऑयल डाल दिया, अब हम इसका कवर लगा देंगे और इसको दम पे रख देंगे ऑलमोस्ट लाइक 10 टू 15 मिनट्स, 20 मिनट के लिए हम इसको सही से कुक होने देंगे। इस तरीके कार से हमने इस पर कवर कर दिया और इसके ऊपर साफ सुथरा सा कपड़ा डाल दिया। अब इसको हम कवर कर देंगे एंड दिस इज द बिरयानी एंड वी लीव इट फॉर अनदर लाइक 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में ये कैसी बनती है, सब कुछ कैसा होता है हम आप लोगों को दिखाते हैं।
सो दिस इज़ दी बिरयानी जिस पे दम लग रहा है. ऑल एक्साइटेड कि तैयार हो जाए तो मैं आपको इसका लुक दिखाते हैं कि कैसी है. सो स्टे ट्यून्ड एंड वील शो यू. नीचे नीचे से लेना. इधर आओ तुम. ये बंद करो. मैं थोड़ी बहुत बंद करो. मैं थोड़ी बहुत. सो आई जस्ट हैड अ बाइट एंड ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी जो है वो रेडी है. इट्स अमेजिंग. सो दिस इज द बिरयानी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग from my plate. This is my bite. I'm gonna let you guys know. Awesome. बहुत मज़े की बनी.